तो दोस्तों ये है अमेज़ॉन बेसिक्स का 4G LTE वायरलेस डोंगल। आपने काफ़ी ऐसे डिवाइसेस का नाम सुना होगा, जियो फाई, ई फाई, ओ फाई। ये सारे जो डिवाइसेस हैं इससे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज़ इनके इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं। इनके घरेलू डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट टीवी, ये सब है। फ़ोन में तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ोन में ऑलरेडी इंटरनेट होता है। और इसमें लेकिन यही बात है कि ये इससे हम अपने स्मार्ट टीवीज, लैपटॉप में हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस में। तो हम दिखाते हैं कि इसको कैसे अनबॉक्स करते हैं, कि चालू करते हैं। अनबॉक्स मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी और यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहूँगा जिससे आपके लिए काफ़ी होगा। कैसे कनेक्ट करते हैं आपको पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। आपको जब डिवाइस मिलेगा तो आपको ऐसे मिलेगा डिवाइस। आप इसका पीछे वाला बैक कवर खोलिए, ये खुल गया आपका डिवाइस। नॉर्मली बैटरी निकला हो, बैटरी अलग से मिलेगा आपको, बैटरी डालना पड़ेगा बाद में। बैटरी डालने से पहले आपको सिम फिट करना पड़ेगा। सिम डालने का तरीका ये है, कटआउट भाग जो है इस तरफ को फेस करेगा। सिम के लिए एक और आपको नैनो टू माइक्रो सिम का एक वो और एक होल्डर मिलेगा, जिसका मदद से आप इस सिम को डाल सकते हैं। उसका यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिम को सीधे भी डाल सकते हैं। बस ध्यान में रखने वाली ये बात है कि कट इस तरफ होना चाहिए, नहीं तो सिम कनेक्टिविटी नहीं दिखाएगा। इसके बाद हम बैटरी को ऐसे डाल देते हैं, बैटरी को फिट कर दिया हमने। उसके बाद हम कवर को चढ़ा देते हैं ऊपर से, कवर को चढ़ा दिया हमने। तो ये रहा आपका अमेज़न बेसिक्स का 4G LTE वायरलेस डोंगल रेडी फॉर यूज़। इसको चालू करने के लिए 2 सेकंड के लिए कंटिन्यूस प्रेस कीजिए इसको, 1 2, और ये आपका डिवाइस चालू हो गया। अब इसके जो लाइट्स है ये है इंडिकेटर लाइट्स। पहला लाइट्स हैं जो आपने जो सिम डाला है उसका नेटवर्क कनेक्टिविटी दिखाती हैं। अगर ब्लू जल रहा है ये तो उसका मतलब कनेक्टिविटी है। दूसरा जो है वाईफाई कनेक्टिविटी दिखाता है इस डिवाइस में। अगर वाईफाई कनेक्टिविटी काम कर रहा है, अगर ये कनेक्ट कर सकती है बाकी डिवाइसेस से, तो ये ब्लू कलर में चलेगी। तीसरी वाली बैटरी का स्टेट बताती है, अगर ये ग्रीन कलर जल रहा है मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज है। अगर चार्ज कम है, इनिशियली आपको चार्ज पूरा कंप्लीट मिलेगा, चार्ज कम है तो आप इस पोर्ट के मदद से जो मिलता है इसी डिवाइस के साथ इस बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको, इस मदद से इसको चार्ज कर सकते हैं। अडाप्टर नहीं मिलेगा, फ़ोन का अडाप्टर यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद इसको हमने ऑन कर दिया। आप इसको कैसे कोई भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फ़ोन से इसको कैसे कनेक्ट करूँ। तो मैं अपना फ़ोन यहाँ लेता हूँ, इसको डिवाइस को ही रहने दीजिए। मैं अपना फ़ोन यहाँ लेता हूँ, इसका सेटिंग खोलता हूँ, कनेक्शन खोलता हूँ, वाईफाई चालू करता हूँ। वाईफाई ऑन है मेरा, चलो ऑन कर दिया। माइकल आ गया, ये देखो ये माइकल आ गया। बट माइकल जो है मैंने अपना इसका जो डिवाइस का जो SSID है वो मैंने चेंज करके माइकल बनाया है, पासवर्ड भी मैंने चेंज कर दिया है। बट इनिशियली जब आपको मिलेगा तो ये कुछ दूसरा नाम आएगा। चलो जो भी आए, इसको यहाँ दबाइए, कनेक्टेड है। इसको आप मैं फॉरगेट कर देता हूँ आपके लिए, दिखाने के लिए कनेक्ट कैसे करते हैं। चलो फॉरगेट कर दिए, चलो वापस कनेक्ट करते हैं। इस आपको पासवर्ड दबाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैनुअल में भी लिखा हुआ है बट आप नहीं देख पाओगे इनिशियली, क्योंकि ये मैनुअल बहुत ही मतलब वैग तरीके से लिखा हुआ है और लोगों को समझ में नहीं आया कि यूज़ कैसे कर सकते हैं इस मैनुअल का, ताकि हम फर्स्ट टाइम डिवाइस को कनेक्ट करें किसी भी फ़ोन या लैपटॉप से। तो इसलिए मैं इस वीडियो का सहारा लेके आपको बताना चाहूँगा। पासवर्ड में आप दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, दबा दिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, कनेक्ट दबाइए, ये हो गया आपका कनेक्ट। नाउ आपका डिवाइस इज़ रेडी फॉर यूज़।